जब गुर बोले तब विषम होए जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छुड़ाए, कामी क्रोधी चातुरी बाजी गर बेकाम, निंदा करते जन्म सिरानो, कब हु ना सिमरयो राम, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो, एह पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो, एह पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। चवर शतर तख्त दे मालक, जुग हो जुग अटल सतगुरु, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर, ऐसे दयाल सतगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान, गुरमुख प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी सलाना अदुती गुरमत संगीत सम्मेलन इन्हां समागमां दी हाजरी भरदे हुए अज दूसरे दिन दे दीवान विच अमृत वेले दे सजे दीवान विच जुड़ बैठे हो। अमृत वाणी आसा की वार दा कीर्तन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਣਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ, ਜਿਚਰ ਖਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ, ਤੂੰ ਅਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਨ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਜੇਬਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜੇਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਂਝ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੇਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜੇਬਾ ਉੱਪਰ ਅਨ ਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਨ ਰਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸ ਚੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੀ, ਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਖੰਡ, ਗੁੜ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਰਸ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਰਸਦਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
कि इन्हां पदार्थां दे रस मुक गए जां मिश्री दा सुभाव बदल गया जां गुड़ शक्कर ने सुभाव बदल दिता। नहीं, शक्कर दा जो पहला सुभा है वह अज भी है, खंड दा जो पहला गुण मिठा है वह अज भी है, मिश्री दा जो गुण पहला है वह अज भी है, पर हुण अंदर दे खिरदे दी तृप्ति एहो जी होई है, इनू रस ओ मिल गया है जिस रस दे सामने ये रस सब दुनियावी फिक्के पै गए। देखो ना खंड सुभा बदल दी, ना मिश्री शक्कर गुड़ सब दा सुभा मिठा ओही है, पर की कारण? बाबा फरीद कह रहे हैं कल तक इबादत विच जुड़दे सां, बंदगी विच टिकना, ते मां मुखों कहिंदी सी कि फरीद इबादत करिया कर, तेनू अल्लाह खुदा तेरा शक्कर मिश्री गुड़ बख्शेगा। कल तक इन्हां पदार्थां दे रस दी खातर भगती सी, अज ये रस मुक गए ने, हुण रब दे नाम दा रस मिलिया, ते उस रस दे बराबर ये कुछ भी नहीं। वैसे दे भाव अर्थ करांगे जदों असीं ये श्लोक पढ़ने हां, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माजा दुत सबे वस्तु मिठियां, ये सब कुछ मिठा है सवादला है, रब ना पुजन तुद, पर हे मेरे रब जी प्रभु दे नाम दे तुल इन्हां विच्चों कोई चीज़ नहीं पुगदी। ते इहदे जदों भाव अर्थां विच जावांगे कि जदों असी इबादत करने हां बंदगी करने हां, पहला रस है साढ़े कोल, किते धन रस बनता है, गुरु कोल भगती उस पदार्थ की खातर करने, किते संसार दे पुत्र धियां की खातर असी नाम रस विच जुड़ने, संसार दियां सुख सहूलतां की खातर असी प्रभु भगती विच जुड़ने, पर जिन्नी देर तक अंदर तृप्त नहीं होया, खिरदे ने वह रस नहीं माणिया, उन्नी देर तक इबादत का संबंध हो सकता है बाहर दे पदार्थां दी खातर होए, पर जिन्नू नाम रस ने तृप्त कर दिता है, अंदरों जिन्नू सतगुरु दे शब्द विच्चों प्रीत चों रस मिल चुका है, उहदे लई फिर ये रस भी फिक्के पै जांदे ने। उहदे लई संसार की जितनी दौड़ है, जां मैं ये शब्द वरत लवां, जिहड़ा अपने अध्यात्मक सफर वल चल तुरिया होए, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ये बाणी विच कहिंदे ने कि जिन्हें अनुभव माणिया, खिरदे नू प्रभु दे नाम विच जोड़ लिया, सच्चे पातशाह जी मेहर करदे ने, उत्थे बाहर दे सब रस ये फिक्के पै गए। शब्द सी भगत फरीद जी का श्लोक, शक्कर खंड निवात गुड़ माख्यो माजा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुध, ये अनरस सन, रब दे नाम दा रस सच्चा रस है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चों एक बचन होर है, की है अनरस? देखो असी जवान वल कला ध्यान देना, मैं तुक पढ़ी गुरु अमरदास जी दी कि उन्नी देर तक जेबा तेरी तृप्ति नहीं जितनी देर तक नाम रस नहीं आया। महाराज सच्चे पातशाह जी इस जवान बारे ये अनरस केड़े ने? असी रस लै के निंदिया करने, निंदिया ये जुबान दा रस कह, ये सच्चाई कह कि जो कुछ मन विच है वो इंद्रियां राही प्रगट हुंदा, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब पावन बाणी विच कहिंदे ने मन मैला सब किछ मैला, जे मन मैला है मन मलीन है ते मेरे महाराज कहिंदे ने सब कुछ ही मैला है, जे मन मैला सारा शरीर मैला है। हुण उत्थे मैल दा संबंध कोई आ घटा मिट्टी, ये नहीं भी बाहरों कोई तन नू मैल लगती है, जिथे मन की मलीनता है उत्थे तन मैला है, तन किवें मैला है, उस दियां अखां मलीन होणगियां, उहदे कन मैले ने, उहदी जेबां मैली है, उहदे हथ मैले ने, कर्म इहो जे करदे ने, उहदा उहदे पैरां दा कर्म वह बन जाता है,
कि मंदे पासे धामद असल विच जिदा मन मैला है उदा सब कुछ ही मैला है उदे शरीर राही इंद्रियां राही भी मैल ही प्रगट कुंदी है। जिमें महाराज सच्चे पातशाह दी बाणी चो जे मन दी मलीनता है वो साड़ी जुबान राही किवें प्रगट कुंदी है। रस अंदर है ते निंदिया जुबान राही करने वो रस जेबा राही प्रगट हो जाता है। अंदर झूठ कह ते सारा दिन सवेर चढ़ दिए दिन पर बंदा इस जुबान राही रसना राही कूड़ बोलद झूठ बोलद सारा दिन मनुख इस जेबा राही पता नहीं कितनिया कु दी बुरियाई कर जाता है। ये सब अन रस ने पर करदा ते बंदा रस लैके ही है ना। जे निंदिया करेगा जेनू सवाद रस आ रहा तो जुबान बोल दीए ना जे रस ना होवे ते क्यों बोले। इन्हां अन रसा नू तैनू संकोचना पवेगा इन्हां नू मिटना पवेगा। तन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी जदों पढ़ने आ महाराज तां इत्थों तक शब्द वरत गए कि रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए खरखां जब बिसरै गोबिंद राहे दिनों दिन घटिए। किन्ने जे रसना करते दा नाम नहीं जपदी पई ते इस जेबा दा करना भी की है। इनू भावना नू गुरु साहिब जिस संदर्भ विच जा के बचन वरतदे पैने नू समझिए थोड़ा जिहा जिवें असी बाणी चों कुछ उदाहरणा साडे सनमुख ने। देखो यारो जिस चीज़ की जड़ है वो प्रगट भी जरूर हुंदी है। धरती जिवें दी मर्जी होए पर जेड़ा बीज उस धरती विच बीज दिता है उस बीज ने ही प्रगट हो के सनमुख आना है। साढ़े जो बीज पा दिता है उस जड़ दे विचों उस बीज दे विचों वो कुछ ही प्रगट होएगा। तो ये थोड़ा है कर्म बीज कह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने जे का बीजै सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जिको जिहा बीज बीज दिता वह बीज ही प्रगट हो के सनमुख आएगा। पर जिदी जड़ है उसका परिवार है जिदी जड़ नहीं उसका परिवार किवें कदी इस तरह तो नहीं ना हो सकता कि रुख दिसन दिसदा होए जड़ दिसदी नहीं पर सानू। पर जिहड़ा दिसदा पिया है असी कह दईए साडा ते संबंध कल्ले दिसण वाले नाल कह असी जड़ दा की करना है जड़ खत्म कर दिओ ते कल्ला परिवार दिसदा रहे आ फल फुल टाणियां पत्ते ये कल्ले नज़र पैण ते पैरों ये कदी नहीं हो सकना। जिदी जड़ कट दिती जाए उहदे परिवार विच भी सोका पै जांदा है। जिदी जड़ कट दिती जाए उहदा तना सुक जांदा उहदियां टाणियां उहदा फल उहदे फुल उहदे पत्ते सब सुक जांदे ने। जिथे जड़ है उत्थे रस है जिथे जड़ नहीं उत्थे सोका है। रुख की किसी टाणी नू तोड़ांगे उहदे विच्चों रस है पानी है किसी पत्ते नू तोड़ांगे उस विच्चों पानी है। पर जेड़ा रख रुख धरती नालों वख हो जाए जिन्हों कट दिता जाए कटिया होया सुक जांदा है। सुके की टाणी तोड़ो जां सुके नू चीर दिओ कदी उहदे विच्चों रस पानी नहीं निकलेगा। उहदा कारण क्योंकि जड़ नालों संबंध टुटन करके सोका पै गया है। असल विच एक कला रुख नहीं एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी ने इहदी उदाहरण लैके सानू यह समझा दिता कि गुरु का शब्द तो एक जड़ है नाम तो एक मूल है। तो जिस हिरदे विच शब्द की जड़ लग गई नाम बाणी की जड़ लग गई कृपा गुरु की वरतनी है उस जड़ राही सदा ही रस तृप्ति रहेगी। ते जिथे शब्द नाम की जड़ ही नहीं लगी खाली खाली बीज ही नहीं पाया तो महाराज सच्चे पातशाह वो जड़ कितों बनेगा तो जड़ा जड़ नहीं बनिया उतों परिवार कितों रुख कितों पैदा होएगा। बेनती समझना गुरु साहबां का यह पावन बचन है। महाराज कहिंदे ने लाज मरे जो नाम ना लेवे नाम बिखून सुखी क्यों सोवै। ये अखरी अर्थ कर देना कि तेनू लज्जा नहीं आती
ਤੂੰ ਲੱਜਾ ਨਾਲ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਲਾਜ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਉਂ ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਨਾਮ ਵਿਖੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੀਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਮ ਵਿਖੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਬੜੇ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋਜਣ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ? ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸੱਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਣ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ। ਮੰਗੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ, ਨਾਮ ਵਿਖੂਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਸੋਵੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ, ਭੁੱਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ? ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ, ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਜੜ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮ ਗਤ ਚਾਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮ ਪਦਵੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਜ ਭੇਖ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਉ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੇਖ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੇਖ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਿਸਦੀ ਏ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕੈ ਪਾਖੰਡ ਕਮੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਪਾਜ ਉਘਾੜਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਜ ਉੱਗੜ ਗਏ, ਭੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੁਬਧਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਰਖੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਇਹ ਰਸ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇਗਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲਣ ਪਾਜ ਉਘਾੜਿਆਂ ਜੋ ਮੂਲੀ ਬੱਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਜ ਉੱਗੜ ਜਾਂਦਾ,
जे कोई धार्मिक लिबास विच भी परपंच करेगा सतगुरु कहिंदे ने उत्थे भी वो भेख एक दिन सामने जरूर आ जांदा है। मैं बेनती साहब का बचन सी कि हर सिमरन छाड़ परम गत चाह है नाम नहीं, ये सोचदा चंगियां पदवियां मिल जाण, चंगी शौहरत मिल जाए, उच्ची परम अवस्था विच चला जावां, लोक पूजन, समाज दुनियादार लोग मेरे अगे सिजदे करन। महाराज कहिंदे ने कदी नाम नहीं, बाणी नहीं, रस नहीं, ते मंग एडी उच्ची, हर सिमरन छाड़ परम गत चाखै मूल बिना साखा कत आखै। मूल दा अर्थ है जड़, कहिंदे ने कमले मना जे जाड़ी नहीं ते रुख कित्थों दिसेगा, जे जड़ है ते रुख है, जे नाम है ते बाहर दी परम पदवी जां उच्ची शौहरत है, जे अंदर ये जाड़ी नहीं लगी ते दिखावा कित्थों बनेगा। हाँ ये बेनती मैं एक होर कर दें, देखो जिदा जीवन है सच है भी वह द बोलदा नहीं। एक बचन ने बाबे फरीद जी दे सलोकां विच भी पढ़ने हैं, भगत साहब कहिंदे ने सबर अंदर साबरी तन एवें जालेन, सबर है सिदक, साबरी जिहड़ा सिदक कमा चुका है, सबर सिदक, साबरी दा अर्थ है जिहड़ा सिदक नूं पुग गया, सिदकवान हो गया, जिहड़ा सबर अंदर साबरी, जिहड़े सिदकवान ने वह सबर विच ही रहिंदे ने। तन एवें जालेन, अपने तन नूं कोंदे ने, भाव बिखम करड़ी घालना घाल देन, गुरु दे घर विच वह करड़ी बिखम घालना घाल के वह तन की परवाह नहीं करते। तन एवें जालेन, ते जदों अंदर अवस्था उच्ची बनती है, खून नजीक खुदाए दें, वह खुदा दे करते दे नेड़े चले जाते, हूण नजीक खुदाए दें, भेत ना किसे देन, वह भेत नहीं देंदे। पर यह सच कह कि गुरु उन्हां दी वडियाई प्रगट जरूर कर देंदा है, रौला नहीं पाते, हंकारे नहीं मारते हंकार विच, पर गुरु प्रगट करदा उन्हां। फिर मैं बेनती दोहरा दिना, जिन्हां नूं सतगुरु ने अंदर दा सिदक दिता, अंदर दे रंग बख्शे, जिन्हां नूं गुरु दे शब्द ने अंदर दी इन्नी उच्ची अवस्था दे दित्ती, वह हो तो जीवन संजमी गया, लोक तो गए दुनिया तो, पर आप फुंकारे नहीं मारे, रौला नहीं पाया, पर गुरु ने उस दात नूं गुज्जिया ना रहन दिता जिदे अंदर सी, उहनूं गुरु ने हथ धर के प्रगट कर दिता। गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया, गुजड़े भी प्रगट कर दिते, पर जिथे कुछ अंदर है, पर जे भेख होए फिर नहीं। महाराज कहिंदे रस नाम का है, पर जिथे मैं बेनती जो कर रहा सा, निंदिया ईरखा झूठ विरोधता जां साहिब कहिंदे ने दवैश दुबदा गुण प्रगट हो गए, उत्थों सतगुरु कहिंदे ने सच्चाई ये गुण तो बंदे का जीवन बयान करते ने। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन विच घटना का जिक्र आता है, तवारीख गुरु खालसा विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने उस दा जिक्र किया है। महाराज गुरु कलगीधर सतगुरु जी के एक सिख होए ने, जिन्हां दा नाम है भाई जग्गा सिंह, एक भाई जोगा सिंह जी का भी जिक्र आता है, नाम सी भाई जग्गा सिंह, ते भाई जग्गा सिंह गुरु की शरण आया, ते इउं कह लिए भी थोड़े समय विच इस गुरु के नवाजे हुए नूं गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा मिल गई। महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ा प्रेम किया इस नूं, जां इस तरह बयान कर लिए कि सिख बहुत समय दे गुरु गोबिंद सिंह जी को आउंदे ने, कई भाई जग्गे तो पहला दे सतगुरु दे नेड़े ने, वह कृपा खाली उन्हां नूं भी नहीं सी मिली जिहड़ी भाई जग्गा सिंह नूं बाद विच आ के सब तो पहला मिल गई। बड़ा नवाजिया रहमत नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने, इत्थों तक जिक्र मिलता है। महाराज सच्चे पातशाह दे दरबार आउणा इहने, ते सतगुरु ने बचन बलास बड़े करने, जे कुछ सतगुरु ने सलाह करनी तां वी पुछ लेना, इन्नी नेड़ता बन गई गुरु गोबिंद सिंह जी नाल।
इंज मैं बेनती करा भी आया बाद विच ते पोग पहला वालियां तो भी अगां गया किते, क्योंकि रूखानियत दा अध्यात्मक दा मार्ग ऐसा ही है। इत्थे इक दू इक चढ़न दियां दावा है कोई नहीं, पता नहीं किस उपर गुरु नानक साहब जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने अपनी नज़र पा के किनू नवाज के सतगुरु ने अपने बिल्कुल नेड़े कर लेना है। हुण वो आया बाद विच कृपा बहुत जल्दी मान गया, सतगुरु दे दरबार आना जे किते लेट हो जांदा सी ते गुरु गोबिंद सिंह पुछ लेंदे सन आया क्यों नहीं काली, जेड़े कोल नेड़े भी सन पहला उन्हां दे कईयां दे मन विच आया भी कल आया काली, ये ना गुरु गोबिंद सिंह दे नेड़े इन्नी गुरु गोबिंद सिंह दी रहमत मान गया, क्योंकि इत्थे तां दिखावे तां थां ही किते नहीं हैगी। उन्हां दे मन विच आया भी कल आया, कृपा इन्नी इनू रोकीए किसी तरीके, जे ये नेड़े रहा तो साड़ी सतगुरु दे नाल सांझ किवें रहेगी। जो अंदर पाप है वह प्रगट होया। एक दिन ये सवेरे आ रहा गुरु के दरबार वल, कुछ सिखां ने मिल के इस भाई जग्गा सिंह नू रस्ते विच कुटिया, बड़ा इन्ना कुटिया भी अदम होया करके सुट दिता। इन्ना सोचिया मर जाएगा हुण कहानी खत्म होगी, हुण नहीं आउंदा, इन्ना कुटिया अदम होया करके सुट दिता। ते इधर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीवान सजिया, बाबा संगत सिंह बाबा करतार सिंह जी कमालिए वाले उन्हां दे घर दी एक पुस्तक मिलदी मैं जुग जुग दई सेवड़ी, उहदे विच उन्हां दो सिखां दा वैसे जिक्र कीता है, एक भाई धन्ना सिंह जी दा गुरु गोबिंद सिंह जी दे अस्तबल दी जिहड़े सेवा करदे सन, एक भाई जवेखर जी दा। उहदे विच उह सतगुरु बारे एक बचन लिखदे ने महापुरख कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार विच आउंदे ने रबाबी पहलां पुजदे ने, दीवान सजदा है कीर्तन हुंदा है ते सतगुरु की संगत उड़ीक करदी सी। जदों साहब ने दरबार विच आउणा अरदास मेवड़े ने करनी ते गुरु गोबिंद सिंह सारी संगत वल निगाह पा के नवाज दे सन ते मुखों शब्द अक्सर क्या करदे सन, संगत जी निहाल निहाल निहाल। उत्थे उन्हां जिक्र कीता भी सतगुरु इस तरह दरबार विच आउंदे सन गुरु गोबिंद सिंह जी। कहिंदे अज महाराज दीवान विच आए ने, सतगुरु सच्चे पातशाह दे मुखों शब्द ही कुछ होर निकलिया, नेड़े बैठे सिखां वल इशारा करके कहिंदे सन, कहन लगे अज भाई जग्गा सिंह नहीं आया, आया नहीं अज, वो नेड़े अज लेट किवें हो गया, दरबार विच नहीं पुज्जिया अज। ते सिखां क्या महाराज आ जाएगा, कहन लगे नहीं, शब्द सन उहनू भाल के लियाओ, मेरे अंतर जामी अंदर दी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, अंदर दी बेद जानन वाले सतगुरु ने जाणिया। कहन लगे नहीं, लेट नहीं होया, उहदी भाल करके लियाओ। सिख गए मैं संकोचा, महाराज सच्चे पातशाह दा हुक्म मन्निया, जिथे भाई जग्गा डिग्गिया सी लहू वगदा पिया, इहनू सांभिया चुकिया, हजूर दी शरण लै आंदा, उस दाते दी नदर पई जिहड़ा समरथ है सतगुर मेरा मार जवाला। महाराज किन ने बोल, तेनू किसने मारिया, किन्ने कुटिया तेनू? कहन लगा महाराज जी किसे नहीं। हजूर ने फिर क्या, कहन लगे बोल खां, तू दस जवान तो। कहिंदा दाता पता तुहानू साबे, झूठ बोलिया नहीं जाना, पर मालक जी एक कृपा करो, जिन्हें कुटिया उन्हूं बख्श दियो। दूजी बार जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने क्या, कहन लगा महाराज जिन्हें कुटिया उन्हूं बख्श दियो। महाराज तीसरा बचन सी, कहन लगे बोल के तां दस। ते सतगुरु दे अगे हथ जुड़े हुए, ये भाई जग्गा सिंह कहिंदा महाराज कृपा करो,
सुनिया सी जमा दी मार बड़ी भैड़ी है, सुनिया धर्मराज का डंड बड़ा बुरा है, फिर मालिक तू आप इन्ना दयालू है, अपने बच्चों के दुख मेटने दाता कृपा कर। मैं इन्नी बेनती करांगा, देखो किन्ना अंदर नवाजे खोए दा हिरदा दयालता विच सी। महाराज कहिंदे तू नाम दस, तू बोल के दस, हाथ जोड़ के कहिंदा दातिया जमा दी मार बड़ी बुरी सी, इको रोंदा बोल के कहिंदा तेरे सिखां दियां पै गईयां जमा दियां मुक गईयां, तेरे सिखां दियां पै गईयां जमा दियां मुक गईयां। नाम फिर नहीं लिया, कह लगा महाराज तेरे अगे झूठ नहीं बोलिया जाना, अंदर दी बिद जानन वाले दाता तेरे सिखां दियां पै गईयां जमा दियां मुक गईयां। जदों सतगुरु दे सामने बेनती करदा है, दाते ने नशर प्रगट किया उन्हां नूं सामने आए जिन्हां कुटिया सी, रो पए कहिंदे दाता जी बख्श दिओ सानूं। कहन लगे क्यों कीता, कहिंदे दाता साडे अंदर ईरखा सी इहदे नाल, क्योंकि गुरु अगे तां ये तां कृपा मानन दा जरिया है कि गुरु कोल खिरदा लुकाओ ना, ये सही कह। महाराज काम क्रोध नगर बो भरिया है, पर सतगुरु अगे परदे क्यों, काम क्रोध नगर बो भरिया जिदन गुरु कोल परदा चुक देगा, मिल साधु खंडल खंडा है, गुरु अगे परदे ना पाई। जे गुरु अगे परदा रहा ये मिटने नहीं, इत्थे तां पुकार के कह लोभ लहर अत नीचर बाजै काया डूबै केसवा। डुबदा बंदा कदी लुकदा, उंज असीं कहिंदे आ वी जिद्दण ना करना होवे ना मन ने कहिंदे जदों कृपा होएगी। जिहड़ा बंदा डुबदा होए ये नहीं कहिंदा कदी भी जे बचाना होएगा लग लांगो, वह तिनके नूं भी आसरा बणांदा, कहिंदे तू डुब रहे कदी पुकार तां सी, रौला तां पा डुबदा होया, गुरु अगे पुकारी तां जा, जे उन्हें सुन ली तेरी बाँह पकड़ के रख जरूर लेगा। लोभ लहर अत नीचर बाजै काया डूबै केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठुला, हे मेरे बीठुल तार तू। महाराज कहिंदे क्यों कीता, कहन लगे दाता ईरखा सी, उत्थे फिर गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द सन, सिखो सिखी कमांदिया दावे नहीं, कृपा वक्त नाल, जां ए नहीं भी इन्ने साल सानू नेड़े रहिंदिया हो गए, पत्थर जितना समा मर्जी पानी विच रहे कदी पिघलदा नहीं, पत्थर नहीं पिघलता कदी, पत्थर जितने साल टिकया रहे पानी विच वो अपना सुभा अपनी कठोरता नहीं छड़दा, कागज ते एक बूंद पए वो पानी दा ही रूप हो जांदा। कहिंदे पत्थर बन के गुरु कोल कदी ना बैठो, कठोर खिरदा लै के नहीं, कोमलता विच निम्रता विच जुड़ो, जिदन कागज दी तरह आपा मुका के गुरु कोल आओगे, एक दिन सतगुरु गुरु का शब्द गुरु की कृपा तेनू अपना रूप दे के नवाज जरूर लेगी, नवाजेगा दाता। तन गुरु गोबिंद सिंह ने कहा ईरखा नू छाड़ दियो, जे कृपा माननी कह निंदिया नू मेट दियो, अन रस त्याग दियो जे नाम रस नू मानना कह, एनी नाम जपिया सारा दिन बुरियाई रज के। साहब ने कहा अन रस ने उन्हां रसां विच कदी अंदर दी तृप्ति नहीं होनी, ए रस ना तू अनरस राच रखी, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर खर रस पलै ना पाए किवें पाए। फिर दाता ओ रंग निर्मल ओ जुड़े हुए पैरों जिदी शरण बैठ के एक खिन बैठो ना, एक खिन किसे रंग रतड़े दी शरण करो, ते तुहानू खबता पर गुरु ही ना विसरे, इहदा मतलब सतगुरु कहिंदे नूं पुगिया होया है, जिहदी शरण विच बैठे आ गुरु चेते आए, जिहदी संगत विच बैठे आ गुरु चेते आए, वह रंग रतड़ा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन, इह 23वां अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी कृपा नाल महापुरख सचखंड वासी संत बाबा सुचा सिंह जी
ਬਾਨੀ ਜਵਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ ਭਗਤ ਕਾਹਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਅਦੀਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਂਭਿਆ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਚੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ, ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜ਼ੋਹਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾਚ ਤਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।